एक ऐसा मैच दिखाएंगे दिलचस्प। तीन टीमें हैं उसमें, एक है कराची किंग्स, एक है लाहौर कलंदर और एक है पिशावर जलमी। इन तीनों का आपस में मैच होगा, नॉकआउट सिस्टम है ये। जो टीम हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी, दो टीमों का फिर मैच रह जाएगा। और ये दो ओवरों का मैच होगा, वो चाहे उसमें दो दफा आउट हो जाए प्लेयर, तीन दफा हो जाए, लेकिन वो बारी पूरी अपनी दो ओवर खेलेगा। चलो जी, अब टॉस होता है। देखो जी, कायदे आजम और मस्जिद है। ये टॉस हो गया, कायदे आजम ये जीत गए टॉस। बॉलिंग कौन जीता है? टॉस जीता है कराची किंग्स ने, और बॉलिंग का पहले फैसला किया है। लाहौर कलंदर को दावत दिया उन्होंने बैटिंग की, और पिशावर जुल्मी की बारी है तीसरी। चलो जी, इस वक्त टीम के कप्तान लाहौर कलंदर के अब्दुल हन्नान, और बॉलिंग के लिए आए हैं कराची किंग्स के कप्तान शोएब मलिक, और फील्डिंग कर रहे हैं पिशावर जुल्मी के कप्तान। इसकी लास्ट में है ना हसन की। लाहौर कलंदर के कप्तान अब्दुल हन्नान ने 19 रन बनाए हैं अपनी दो ओवरों में, और अब माज़ खान को मौका मिला है 20 रन करने का दो ओवरों में। देखते हैं वो ये स्कोर चेस कर सकते हैं या नहीं। स्टार्ट टू प्ले।
हसन वो कैसे करते? तीन रन तीन गेंदों पे पांच रन माज़ खान। चार गेंदे पांच रन और अब्दुल हन्नान इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कोर ना बन सके और माज़ खान की कोशिश है कि ये रन पूरे करें। और माज़ खान आउट। पांच गेंदे ठीक है बॉल भाई। पांच रन माज़ खान एक मरतबा आउट हो चुके हैं। चलो जी स्टार्ट। चार रन एक ओवर हो गया जी। नौ रन एक ओवर। पहुंच गया। नहीं, आउट हो गया।
अब चले गए लो, इसमें क्या एक ही रन की तो बात है। चलो भाई पांच रन हो गए थे। और अब तो तीन छक्के चाहिए। लगाएगा कौन? ये कौन लगाएगा तीन छक्के तीन गेंदों में? सही तलवार, देखते हैं ये टारगेट पूरा कर सकते हैं या नहीं। और माज खान की कोशिश है कि ये तीन दफा तीन गेंदों में हैट्रिक, हैट्रिक। चार गेंदे, कोई भाई नहीं है तुम्हारे आगे। राइट अबू जो आप हो जाएगा। तो गेंद लानी है और आखिरी गेंद। और पेशावर बिल्कुल खुश हो गया है। और पेशावर का नाजरीन पीछे नहीं कर गया है। ये भाई है पेशावर को ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उनसे पल्ले से स्कोर नहीं हो रहा। तो कराची की गुदी देना शुरू हो गई। सहूलत दे रही है उनको भाई, करा के कि ये लो रन करो। आखिर तुम मेरे भाई हो। और बोल रहे और थ्री बॉल और पिशावर को भी टूर्नामेंट से आउट। और ये गलत तरीके से इन्होंने इसका इजहार किया। गुस्से का परम नजर आया।